भरपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजकेन्द्रहारम कर्पूर गौरम एवरीबॉडी, दिस इज आलोक, वेलकम टू माय वन मोर ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है मतलब बहुत एक्साइटमेंट होने वाला है, क्योंकि आज का ब्लॉग आप लोग को देख के पता ही चल रहा है, नाइट व्यू है। आज हम रात में ब्लॉग बना रहे हैं और ये ब्लॉग का खासियत है, आप लोगों ने हम लोग जीके में बहुत सारे सुनते हैं ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड टॉलेस्ट, तो आज आपको शेयर कराएंगे कुछ ऐसा ही खास। तो बने रही है हमारे वीडियो के साथ, और आप लोगों को शायद पता भी चल गया मेरे थंबनेल देख के। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। Here our journey begins. अभी हम लोग नेशनल हाईवे 127 पर है। फाइनली हम लोग अब हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। जितना आगे बढ़ रहा हूं मेरा एक्साइटमेंट इतना ही बढ़ रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ वर्ल्ड समथिंग लार्जेस्ट, वाओ। के अंदर जा रहा हूं दर्शन के लिए। जो वर्ल्ड लार्जेस्ट शिवलिंग मंदिर है, जो कि 126 फीट है, ये कहीं दूर जगह नहीं है, मेरे घर के पास ही है, नौगांव। सो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ज़रूर इस जगह को विजिट कीजिएगा। मतलब हिस्ट्री में पहली बार, मतलब हम लोग पढ़ने के बाद अक्सर मतलब सोचते हैं कि हम लोग भी कभी विजिट करें ऐसे जगह, तो फाइनली द टाइम इज नाउ। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू विजिट दिस प्लेस, ऑनेस्टली पहली बार हम लोग ऐसे जगह में, मैं बार बार ये बात को दोहरा रहा हूँ, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, आज रात को मैं आया हूँ। पुष्प बहु पुष्प
महामृत्युंजय मंदिर सिचुएटेड इन नौगांव। तो ये मंदिर एक्चुअली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था आपका 2003 में एंड फाइनली इन द 2021 इट गेट कंप्लीटेड। स्टिल इज नॉट कंप्लीटेड, ये अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन, इसलिए मतलब अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। सो इन दिस ब्लॉग आई कुड नॉट शो यू ऑल द प्लेसेस, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। एंड जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जीके में अक्सर पढ़ते हैं, बाद में फिर से दोहरा रहा हूँ, जीके में हर बार पढ़ते हैं द लार्जेस्ट बिल्डिंग द टॉलेस्ट टावर। तो फाइनली हम लोग अभी इस जगह में जो है ना द वर्ल्ड लार्जेस्ट शिव मंदिर महामृत्युंजय मंदिर एट नौगांव आसाम, ये 126 फीट मंदिर है। मेरे बहुत सारे भाई लोग आए, तो सागर फिलहाल मेरे साथ, मेरे सागर भाई, तो खुद बोलेंगे इस जगह के बहुत, ये बंदा बहुत एक्साइटेड हो गया था, लोग आ जाए थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, तो आके बहुत मज़ा लगा। हम लोग रास्ता खो गए थे और मोर देन 5 किलोमीटर हम लोग एडवांस चले गए थे, तो फिर सडनली हम लोगों ने रॉन्ग डायरेक्शन दिखाया, एक्चुअली रॉन्ग नहीं था, हम लोग ने इंडिकेटर अचानक गलत किया, तो बहुत ही अच्छा लगा कि थैंक यू।